फर्स्ट लेबर कमीशन ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट पर ये सिस्टम हमें ख़त्म कर देना है, हमें कैजुअल नहीं रखने हैं, लोगों को परमानेंट करना चाहिए। सेकंड लेबर कमीशन ने अलग एक भूमिका रखी, एक उनकी संकल्पना अलग थी। उनके रिपोर्ट में स्पष्ट तरीके से लिखा है कि मजदूर समझते हैं कि एक बार मैं काम पे लग गया तो मैं परमानेंट हूँ, मैं कभी ये काम छोड़ूंगा नहीं। ये लेबर कोड्स खास करके एक 90s से या 70s से हम कह सकते हैं कि मालिक वर्ग का एक मांग रहा है कि परमानेंटली ख़त्म की जाए और हायर एंड फायर लाया जाए। हायर एंड फायर का मतलब है कि जब मालिक चाहे मजदूरों को काम पे लगाए, जब चाहे उनको निकाले। उनको मालिक इनके लिए इसके लिए अलग लफ्ज़ यूज़ इस्तेमाल करते हैं, कभी भी लेबर फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, उनको ज़ीरो इन्वेंट्री कहते हैं, उनको टोयोटा सिस्टम कहते हैं, अलग अलग नाम लगाते हैं। लेकिन उसमें बुनियाद ये है कि हम जब चाहे मजदूरों को काम पे लगाएं, जब चाहे उनको हटा दें। अपने देश में पहले से ही कई कानून थे। पहले जो कानून बना था इस देश में 1946 में हम कह सकते हैं, तो वो था स्टैंडिंग ऑर्डर्स का। और स्टैंडिंग ऑर्डर्स में लिखा गया था कि 5 तरीके के नौकरियां रहेगी। एक तो परमानेंट, ये बेसिक रहेगा, सब मजदूरों को परमानेंट बनना चाहिए कभी ना कभी। दूसरा है टेम्पररी, लेकिन टेम्पररी का उसमें कि उसमें व्याख्या दी गई थी कि टेम्पररी सिर्फ वही मजदूर रहेंगे जिनका नेचर ऑफ वर्क टेम्पररी है। मजदूर टेम्पररी नहीं रहता है, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ एक टेम्पररी तरीके का काम है या परमानेंट तरीके के काम में कोई टेम्पररी बढ़ोतरी आई, उसके लिए टेम्पररी वर्क। कैजुअल यानी एकदम ही जो अचानक हादसा हो जाता है कि कहीं पे कोई दीवार गिर गई, उसके लिए कोई मजदूर लगाने पड़ रहे हैं कि हमको, उसके लिए कैजुअल। और चौथा था बदली। ये खास करके बम्बई और मद्रास के मिलों में, अहमदाबाद की मिलों में, हम बड़ी बड़ी मिलें थी, 20-25 हज़ार मजदूर थे उसमें। तो ये मिलों में मजदूरों को काम पे लगाने के लिए अगर एक दिन 2% भी अगर हम कहें कि उसमें एब्सेंटीज़म रहेगा तो 500 लोग एब्सेंट होंगे 25 हज़ार के मिल में। तो वो 500 लोग बाहर खड़े होते थे और हर दिन मुकादम बाहर आके कहता था कि आपको काम पे लगाना है, आपको काम पे ले, तुम ऐसे। तो उधर भी उन्होंने एक नियम लाया कि ये जो बदली के मजदूर हैं उनका एक लिस्ट बनाया जाएगा और वो लिस्ट के हिसाब से उनको सीनियोरिटी के हिसाब से हर दिन काम पे लिया जाएगा। तो ये 4 तरीके थे। पांचवा था प्रोबेशनर। प्रोबेशनर यानी जो परमानेंट होने ही वाला है, लेकिन परमानेंट होने के पहले उसको 6 महीने तक आप उसकी परीक्षा लेते हो तो उसको प्रोबेशनर कहते हैं। तो परमानेंट मजदूर का ही एक पहला शुरुआती हिस्सा। तो आखिरकार ये सब में यही था कि मजदूर को परमानेंट होना ही चाहिए। लेकिन फिर भी मालिक क्या करते थे कि मालिक कैजुअल और टेम्पररी का नाम देकर, बदली का नाम देकर मजदूरों को सालों साल काम करवाते थे। 1970s में कई राज्यों ने, महाराष्ट्र और कई राज्यों ने कानून फिर से निकाले कि 240 दिन भरे तो भले ही आप उनको नाम दे टेम्पररी का, बदली का या कैजुअल का, उसको परमानेंट करना पड़ेगा वो मजदूर। तो ये और एक कदम आया था। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि 90s से सेकंड लेबर कमीशन का अगर हम देखेंगे, फर्स्ट लेबर कमीशन ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट पर ये सिस्टम हमें ख़त्म कर देना है, हमें कैजुअल नहीं रखने हैं, लोगों को परमानेंट करना चाहिए, वो कानून आए थे 1970s के। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कहा था कि अगर लोगों को सालों साल आप टेम्पररी या कैजुअल रखें या बदली के रूप में रखें तो उसको अनफेयर लेबर प्रैक्टिस या अनुचित मजदूर प्रथा के रूप में कहा गया। लेकिन 90s में जब सेकंड लेबर कमीशन आया, 97 में वाजपेयी सरकार के समय में, बाद में उन्होंने रिपोर्ट दिया, 99 में उनको बिठाया गया और 2001 में रिपोर्ट दिया। तो ये सेकंड लेबर कमीशन ने अलग एक भूमिका रखी, एक उनकी संकल्पना अलग थी। उनके रिपोर्ट में स्पष्ट तरीके से लिखा है कि मजदूर समझते हैं कि एक बार मैं काम पे लग गया तो मैं परमानेंट हूँ, मैं कभी ये काम छोड़ूंगा नहीं, मुझे कभी ये काम छोड़ना नहीं पड़ेगा। ये मजदूरों का विचार बदलना ज़रूरी है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पद्धति बदलनी ज़रूरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का प्रथा बदलनी ज़रूरी नहीं है, कैजुअल प्रथा बदलनी ज़रूरी नहीं है, मजदूरों का विचार बदलना ज़रूरी है। ये सेकंड लेबर कमीशन के रिपोर्ट में स्पष्ट तरीके से लिखा गया।